सबसे पहले मैं आप सभी को हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं स्वयं भी चाहता था कि आपके बीच उपस्थित रहूं, लेकिन किन्हीं कारणों से आपके बीच नहीं आ सका, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है कि केवल डोडा के लिए नहीं बल्कि पूरे चेनाब वैली के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, गौरव का दिन है। मैं सबसे पहले डीटीसी चेयरमैन और डीटीसी के चुने हुए सभी प्रतिनिधियों का भी हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और मुझे खेद है कि मैं उपस्थित नहीं हो सका। दो तीन दिनों के अंदर ही डीटीसी के सम्मानित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो सदस्य चुने गए हैं उनके लिए अधिसूचना जारी करके उनके अधिकार, उनके कार्य क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या संघ राज्य क्षेत्र की ओर से कर दी जाएगी। नौजवान मित्रों, आज जो यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, इस यात्रा में आपको हर कदम पर सफलता मिले और आपके प्रोफेसर्स का, आपके टीचर्स का आशीर्वाद भी रहे, मैं इसकी मंगल कामना कर रहा हूं। मैं सुन रहा था कि 100 छात्रों के एकेडमिक सेशन में 50 छात्र तथा 50 छात्राएं हैं, ये मेरे लिए और प्रसन्नता का विषय है। मित्रों, जिस क्षेत्र को आपने चुना है उसकी चर्चा केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। खासतौर से कोरोना वायरस बीमारी से लड़ने में डॉक्टरों ने जिस तरह का योगदान दिया है, जिस सेवा भावना के साथ इस महामारी का मुकाबला किया है, उसकी सराहना विश्व के और हमारे देश के और जम्मू कश्मीर के भी हर गांव और शहर में हो रही है।